हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोंट फोर्स। तो ये बड़ी ही इजी वे से हम करने वाले हैं इसको, और छोटे छोटे एग्जाम्पलें लेंगे और रियल लाइफ के एग्जाम्पलें होंगी, उससे हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायोंट फोर्स क्या है। तो देखिए, हमारे लाइफ में हर जगह एक पॉइंट आता है कि पानी के साथ रिलेटेड कुछ बचपन से लगे हुए हैं, ठीक है। नाव बनाते हैं छोटी सी कागज की और उसको पानी के ऊपर चलाते हैं, और एक पत्थर लेते हैं छोटे छोटे और पानी में फेंकते हैं, पत्थर नीचे चला जाता है, ये भी करते रहते हैं। तो पानी से ऐसी गेम्स खेलते रहते हैं, और ये बड़े होते हैं जब इंजीनियर बन जाते हैं, तब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है कि एक यहाँ पे कोई पानी का है, देखो यहाँ पानी है, और ऊपर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप साइज जैसा मर्जी हो, मुझे नहीं पता क्या है क्या है, वैसे ही हम रख लेते हैं इसको, ये है। अब एक क्वेश्चन, क्या इट विल फ्लोट और सिंक? सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फ्लोट और सिंक, ये तैरेगा ये डूब जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कौन भाई साहब? दे रहे हैं आर्किमिडीज, दे रहे हैं इसका जवाब, ठीक है। कारण क्या है, हमें पढ़ना क्यों है? आप बन गए इंजीनियर और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जी हमारी ये शिप तैयार करनी है आपने, और हमारा बजट 100 करोड़ है ना, कुछ भी जितना मर्जी, एक इतना अमाउंट का मेरा बजट है, और आपने बना दी, ठीक है, पूरी अच्छी सी फिनिशिंग दे के, अच्छा पेंट करके, अच्छे से डिजाइन बना के दे दिया उसको। और आपको वो पूछता है, हाँ जी सर बन गई, हाँ जी बोट आपकी जो शिप है बन गई, ये डूबेगी तो नहीं? देख लो जी, कहता पानी में डाल के, मुझे तो नहीं पता। तो इंजीनियर ऐसा तो नहीं कह सकता ना। तो ये जो क्वेश्चन है कि डूबेगी तो नहीं, ठीक है, उसके लिए कंफर्म नीचे साइन होते हैं एक इंजीनियर साहब के, कि नहीं सर ये नहीं डूबेगी, लो मेरे साइन। वो कैसे आया, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। तो उसने कैसे बताना है? देखो, फिर से रस्सा कस्सी की गेम है ये, और कुछ नहीं है। क्या है कि नीचे आने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाली फोर्स। अगर दोनों बराबर आ जाए, नीचे से जो फोर्स आएगी, नीचे से फोर्स कौन लगाएगा? पानी, जो फ्लूड है, नीचे वाला फ्लूड है, पानी है, वो नीचे से फोर्स लगा रहा है। ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है? उसका बॉडी का वेट। तो दे दो हमारे पास फोर्स है, एक तो है वेट ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, और दूसरा है नीचे से जो फोर्स लगा रहा है फ्लूड, फोर्स बाय फ्लूड, बाय फ्लूड। अब अगर दोनों ये बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, तो हम समझेंगे क्या कि ये चीज तैर जाएगी। सीधी सी बात है ना, अगर मेरे हाथ पे कुछ रखेंगे, पेन रख दिया, ये रुका हुआ है क्योंकि मेरे हाथ में इसको बर्दाश्त करने की ताकत है, जो वेट नीचे जा रहा है इसका, मुझे उसको बर्दाश्त करने की ताकत है मेरे हाथ में। अगर मैं इसकी जगह पे 20 किलो का डंबल यहाँ पे ला के रख दूँ, तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। आपके हाथ में उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप हाथ में दम है, जिस वेट को आप रोक सकते हो, ठीक है, वो नीचे से और वेट ऊपर से नीचे आ रहा है। बस इन दोनों चीजों को बराबर करना है, और नीचे जो ये फोर्स आ रही है, नीचे से पानी जो फोर्स लगा रहा है, जो ये फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, उसका नाम रखा गया बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, ठीक है, बायोंट फोर्स, जिसको हम बायोंसी भी कहते हैं। तो हमारा क्या इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम क्या करेंगे हम इक्विलिब्रियम के लिए? नीचे से जाने वाली फोर्स शुड बी ऊपर से आने वाली फोर्स। नीचे जाने वाली फोर्स, ठीक है, ये नीचे जाने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाली फोर्स, इतनी सी बात है। अब नीचे जाने वाली फोर्स कौन सी है? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट है, ठीक है जी, बढ़िया बात है। और नीचे से जाने वाली फोर्स ऐसे ऊपर जा रही है, जो फोर्स ये वाली बायोंट फोर्स है, ये दिक्कत आ गई कि ये फोर्स कैसी है। यही है हमारा आज का टॉपिक, फोर्स बाय फ्लूड, ये लगाएगा कितनी, ये कैसे पता चले? तो आप याद रखो इतनी सी बात,
ये उतनी ही फोर्स लगाएगा नीचे से फोर्स लगाएगा। आपने पानी में डुबाई चीज ये है, जितना ये अपने वेट के कारण पानी डिस्प्लेस कर देगा, पानी को साइड कर देगा। देखो आप जब भी कोई चीज डालते हो तो ऐसे होता ना, पानी हिल जाता है साइड में, वो पानी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस होना। अपनी जो एक स्टैटिक पोजीशन में रुका वो पानी था, मैंने ऊपर से पत्थर गिराया तो पानी हिल गया ना, वो जितना वॉल्यूम पानी का इधर उधर हिला दिया ना, पानी हिला दिया, जितना वो हिला देगा पानी, उस पानी का वेट कर लो। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। देखिए इस चीज में क्या करेंगे हम, पानी में, यहां पे मैं फुल पानी ले रहा हूं और इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं। ऑब्जेक्ट डालने के बाद पानी बाहर आ गया, और ये जो पानी होगा, जितना पानी बाहर आ जाएगा, उस पानी का वेट अगर मैं अलग से करके रख लूं, जैसे हम कई बार घी लेते हैं या दूध, सॉरी जैसे कोई चीज लेते हैं जिसमें तोलना होता है हमने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बर्तन का वेट पहले, बाद में उसमें पानी का वेट करेंगे, उसका बर्तन का वेट अलग, उस फ्लूड का वेट अलग। तो उस फ्लूड का जो वेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स बाई फ्लूड। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, देखो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि नीचे से आने वाली फोर्स है वो हमने निकाल दी है कि वहां से फोर्स कितना है, तो वो क्या कहा है मैंने, जो फ्लूड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। और अगर मैं वॉल्यूम को इस साइड ले आऊं तो स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वेट ऑफ द जो भी चीज होगी बॉडी, वेट ये होगा। अब डब्ल्यू, ये जो स्पेसिफिक वेट है इसको क्या कहते हैं, रो जी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज पहले ये बेसिक क्लियर कर लीजिए। आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बेसिक वाली वीडियो भी है मेरी, तो वहां पे ये बेसिक क्लियर कर लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट है उसको क्या कहेंगे, रो जी, वी वॉल्यूम के लिए वेट। ठीक है, तो मेरे पास वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स बाय फ्लूड क्या होगा, जितना उसने फ्लूड डिस्प्लेस कर दिया उसका वेट। तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, चलो, तो वेट ऑफ द बॉडी इस साइड, ऑफ बॉडी इस साइड, और इधर को इसका वेट, वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड, ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड। तो ऐसा है, यहां पे वेट निकालने के लिए फॉर्मूला रो जी इंटू वॉल्यूम, यहां पे वेट निकालने के लिए रो जी वॉल्यूम, लेकिन यहां रो किसका आएगा, बॉडी का वेट, ये रो किसका, बॉडी का, ये है बॉडी मेरे पास, इसका रो मतलब इसकी डेंसिटी, रो है डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी क्या किसका है, बॉडी का। अब ये वी किसका होगा, बॉडी का, पूरी बॉडी का। ठीक है, अगर मेरे पास बॉडी ये पूरी है, ये देखो ये पूरी बॉडी है, इसका कोई भी आप, मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाता हूं कि मेरे पास ये देखो बॉडी है ये वाली है, और इसका मान लेते हैं कि ये 5 मीटर इसकी लेंथ है, 2 मीटर इसकी विड्थ है, और 3 मीटर हाइट है। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, तो 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा जो यहां पर लिखेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, और मेरे पास यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा फ्लूड का रो, और यहां देख पानी है, तो रो पानी का कितना होता है, ठीक है, रो वाटर का कितना होता है, 1000 kg/m³, तो ये आ जाएगा ये चीज। और वी, अब ये वी समझने वाला है, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस, बस इतना सा समझना है। कैसे, अगर मेरा ये बॉडी ये वाली, ठीक है, अब ये 3 मीटर हाइट थी, लेकिन ये डूबी सिर्फ हाफ, मैं ऐसे बना लेता हूं, चलो हाफ डूबगी, हाफ डूब चुकी है ये, हाफ डूबने का मतलब है यहां तक पानी आ चुका है, तो ये कितना डिस्प्लेस किया है इसने पानी, जितना ये खुद डूबी है, जितना ये अंदर डूबेगी उतना ही वॉल्यूम साइड करेगी ना, तो ये डूबी कितना है, ये डूबी है 5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा, इतना ही डूबी है। तो इसको अलग से बना के देखें तो इतना पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया, इतना ये किया है अपने से आधा, तो ये हाफ डिस्प्लेस कर दिया इसने, तो ये
ये 5 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, इतना डिस्प्लेस कर दिया। तो इस पानी का वेट, अब वेट बार बार तो कर नहीं सकते ना, पानी मैं बार बार कहूंगा जी लो जी ये पानी बाहर आ गया, इतना डिस्प्लेस किया है और इसका वेट करके जाओ भैया, वेट करके लेगा वो इसका, नहीं कर सकते ना। और जब शिप बना रहे हैं तब भी हम ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं, अभी कर बना के देखते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना करेगा फिर उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो हम इसका कैसे वेट निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से, रो जी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, बस इतनी सी। जब आपको बात समझ आ गई ना इन दोनों में डिफरेंस, ये है पूरी की पूरी बॉडी, इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो ये बॉडी पूरी है, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी पूरी आएगा। फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसने, जितना मतलब पानी में डूबगी उतना। अब अगर मान लो ज्यादा डूबती है, ठीक है 3/4 डूबती है, तो 3/4 हिस्सा लेंगे, जितना पानी में डूबेगी ठीक है उसका वॉल्यूम। बस मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार इसमें समझाने में आपको प्रॉब्लम आएगी कि अगर नहीं ये टॉपिक, ये वाली चीज नहीं समझ आई, आप कभी भी नहीं समझ सकते इस चीज को, सिर्फ इतना ही समझना है। और इसके बाद देखो जी से जी तो सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा, बस यही रह जाता है हमारे पास। अब किसी ने पूछ लिया देखो रो बी वी बी और रो एफ और वी एफ डी, ये है। अब मेरे पास यही चीज है, ठीक है मुझे पूछ लिया कि बॉडी का डेंसिटी बताओ कितना है। अगर वो बॉडी आधी डूब चुकी है, कर ले सिंपल है, यहां पे कर लेते हैं ठीक है, यहां पे तो रो बॉडी का निकालना है, वी बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये पूरा बॉडी का कितने कितना था, 30 मीटर क्यूब। अब रो फ्लूड, फ्लूड का रो हमें पता है 1000 है क्योंकि पानी है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस आधा हुआ है, आधा मतलब ये 5 × 10 × 10 × 1.5 ठीक है, तो वो 15 आ गया, तो 15 यहां पे फ्लूड डिस्प्लेस हुआ है। तो मेरे पास ये कट रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दूं, 3 × 5 = 15, तो 500 आ गया। रो बॉडी कितनी है कि 500 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक चीज देखो, आधी डूबी थी ना, आधी डूबी थी ना बॉडी, और उसका स्पेसिफिक जो सॉरी इसको कह रहे हैं स्पेसिफिक मास कह लो, यहाँ आप डेंसिटी ठीक है, तो स्पेसिफिक मास भी कई बोलते हैं इसको, तो इसको कहेंगे डेंसिटी। डेंसिटी आधी है पानी से, अगर आधी डेंसिटी वाली चीज को उसमें डालोगे तो आधी डूब जाएगी। तो चीज पानी के अंदर कितनी डूबती है ये पता करने के लिए इजी हो गया मेरे पास। आगे से सिर्फ आपने क्या करना है, जो आपको फ्लूइड बोला है उसकी डेंसिटी अगर आपको पता है, यहां पे ये बोल दिया ऐसी, मैं खड़े खड़े बोल दूंगा यार इसकी ना जो पानी में मैं कुछ चीज तैराना चाहता हूं, और जो बॉडी है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से आधी है, तो कितना डूबेगी यार, कितना अंदर चले जाएगी, आधी चली जाएगी भाई साहब ठीक है। अगर मैं कहूँ नहीं नहीं उसकी जो डेंसिटी है पानी की तो चलो आपको पता है 1000 है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसकी डेंसिटी 700 kg/m³ है, अच्छा मतलब 70% ठीक है उसका 70% है, तो अब 70% बॉडी डूब जाएगी, पहले 50% डूबी थी अब 70% डूब जाएगी। अच्छा अगर नहीं यार मेरा तो 900 है, उसका पानी का 900 है लेकिन मेरी बॉडी जो है वो 900 kg/m³, अच्छा ये आप 90% है ना पानी का, ये बॉडी का जो स्पेसिफिक मास है या डेंसिटी है वो 90% है, अच्छा ये 90% पानी में डूब जाएगी, बाकी सिर्फ 10% ऊपर दिखेगी, ठीक है समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हो कि चीज़ सीधा सीधा दिमाग लगाना है ठीक है, फ्लूइड में ऊपर ऊपर तैर जाएगी, कितनी डूबेगी कितने परसेंट डूबेगी, इसीलिए शिप जो है वो ज़्यादा इस तरह से देखना, ये ऊपर से मैं अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूं कि इस तरह से दिखता है तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, चलो ये इस तरह से बना देता हूं शिप को कि इस तरह से है शिप। तो आप ये देखना जो इसकी लेंथ और विड्थ वो ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, कारण कारण क्या है,
कि वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना करना है उसने, वो मेन चीज है। अगर आपका फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब वो पानी नीचे कितना चला जाएगा, तो आपको डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि बस इतना सा पानी में डूबे शिप मेरा, सिर्फ 10% डूबे, चलो इतना का डूबे, ठीक है, बाकी पानी के ऊपर रहे, इतना का शिप डूबे बाकी पानी से ऊपर रहे, तो मैं क्या करूं, उसकी डेंसिटी जो है वो कम से कम रखे। कितनी, मैं 10% डुबाना चाहता हूं, सिर्फ 10% डूबे, 90% ऊपर रहे, तो मैं सिर्फ 100 रखूंगा। डेंसिटी उसकी कितनी रखूंगा, 100। कैसे था फॉर्मूला, रो जी इनटू वॉल्यूम, रो जी इनटू वॉल्यूम, और ये रो किसका था मेरे भाई, ठीक है, बॉडी का, बॉडी का, फ्लूइड का और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मुझे पता लग गया कि 10% वॉल्यूम डिस्प्लेस जो है, वो बॉडी जो है नीचे जो डूबे वो सिर्फ 10% डूबे, तो मैं क्या करूंगा, ये मान लीजिए कि रॉफ बॉडी मेरी, मैं 100 रख लेता हूं, चलो 100 रख लेता हूं, जी तो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मुझे पता है कि 100 है, ऐसे को मान लो तो 100 है, ठीक है, और यहां पे ये 1000 है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा, ठीक है, इसको बनाने के लिए देखो, एक के पीछे 4 जीरो, अब ये 3 जीरो, यहां 10 आना चाहिए, अगर इसको एक और जीरो लानी है तो 4 हो जाएंगे ना, दोनों बराबर हो गए ना। तो आप डेंसिटी बिना कैलकुलेशन के निकाल रहे हो, सिर्फ आपने सामने वाले को ये पूछना है कि ये बता कि ये पानी में कितनी डूबे, मतलब पानी के अंदर कितनी रहे और पानी से बाहर कितनी रहे, बस इतने बता दे, मैं तेरे को बता दूंगा कि उसकी डेंसिटी के मटेरियल की किस तरह से रखे और कितनी रखे। ठीक है, समझ रहे हो क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरी 100 जो डेंसिटी आई थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम आई 100, मैंने बोल दिया 100 केजी पर मीटर क्यूब रख लो, अब उसका कितना मास रखना है और कितना वॉल्यूम रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने एक रेशियो दे दी, अगर आपने कहा मेरे यार जो मास, ये जो शिप है वो मालवाहक है, ज्यादा से ज्यादा मैंने माल ढोना है इस पे, और मास बहुत है इसका, यार मास मैं कहता हूं एक मान लो 10 लाख है, चलो ठीक है, मैं कुछ भी लगा रहा हूं वैल्यू, 10 लाख है इसका मास जो होगा, इसके ऊपर टोटल मास होगा वो 10 लाख केजी होगा। अच्छा, वॉल्यूम किससे डिवाइड करें कि 100 आ जाए, क्योंकि हमने तो ये 100 रखना है, हमें मुझे ये पता है क्यों, क्योंकि ये पानी में सिर्फ 10% डूबनी चाहिए, क्या करूं किससे डिवाइड करूं, 1-2 रहनी चाहिए, बाकी ये 0 उड़ जानी चाहिए, तो 4 जीरो वाली से डिवाइड कर दो, इसका वॉल्यूम ये रख लो जी, कितना 10,000 मीटर क्यूब रख लो इसका वॉल्यूम, अगर रखोगे तो ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा ना, तो मेरे पास वॉल्यूम पता लग जाएगा अकॉर्डिंग टू मास। आप मास बताओ, मैं वॉल्यूम बताऊंगा आपको, आप मुझे ये बताओ पानी में डूबनी कितनी चाहिए, मैं आपको डेंसिटी बताऊंगा। डेंसिटी मुझे पता लग गई, मुझे बताओ उसके ऊपर बंदे कितने आएंगे, उसके ऊपर मास कितना आएगा, है ना। अगर आप मास और बढ़ाते जाओगे क्या होगा, मास अगर आप कहोगे कि नहीं सर ये तो आपने बोला था इतना मास, लेकिन आपने तो बंदे ज्यादा चढ़ा लिए, पार्टी में जो शिप पे पार्टी हो रही उसमें बंदे ज्यादा आ गए, तो 10% नहीं पानी में, वो पानी में थोड़ी सी और डूब जाएगी, लेकिन हम उसकी सेफ लिमिट देख के चलते हैं कि उसमें मास इतना मत बढ़े यार, ज्यादा तो नहीं हो गया। ठीक है, मैं कहीं और ही चीजों को लेके जा रहा हूं, मेरा मकसद कभी भी नहीं होता कि आप बुक्स की तरह जैसे बुक्स में लिखा है वैसे पढ़ें, और आपको इस तरह से बुक्स में मिलेगा भी नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आपको मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बढ़ जाएगा, तो पानी में थोड़ा और डूब जाएगा, यही होता ना यार। अब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं वो ज्यादा डूब रहा है, हम कहेंगे बंदे उतार दो, इतने ही कहते हैं ना, समझ रहे हो, मेरे हाथ पे ज्यादा भार आ गया और मैं नीचे गिर रहा हूं, मैं क्या करूंगा यार, उठा ले वेट को,
जिम जाते हैं ना, जिम जाते क्या करते हैं, अरे प्लेट डाल दे को चेस्ट पे, है ना, चेस्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं, जब वेट डाल दे, वेट डाल दे, जब उठाई नहीं जाती फिर कहते हैं नहीं निकाल ले वेट निकाल ले। तो इसी तरह से अब पानी तो बोल नहीं सकता ना, अब पानी नीचे से कितनी फोर्स लगा रहा है, पानी बोल नहीं सकता, हमें महसूस होगा कि ये शिप नीचे जा रही है यार, हम कहेंगे मास निकाल दो इसमें से, थोड़ा मास उतार दो इसमें से, और ऐसा करते भी हैं कई बार शिप में, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो मास कम करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जो फेंकी जा सकती है, जिसके बिना चल सकता है काम, उसको गिरा देते हैं, ठीक है, उसके मास कम कर देते हैं। अब ये नहीं है कि बंदों को गिराना शुरू कर दिया कि मास कम करना है यार, ये जो हैवी ज़्यादा है उसको निकाल दो, ऐसा नहीं है ना। तो मास जो है उसके हिसाब से, तो ये आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है, और मुझे कमेंट में ये बताओ कि इस किस तरह से आप इस चीज़ को समझो और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इसको समझने में। थैंक यू सो मच।